कैसे लगे हुए सारे के सारे और हमारा घर खाली हो गया। इस गर्ल को ध्यान से देख ले, मम्मा पापा ने कितने प्यार से सजवाया था इसको, पता है कितनी मेहनत की थी। इसने खुद पैक किया है, इसे खुद पैक किया, किसी मूवर्स एंड पैकर्स की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम लोग नए घर में आ चुके हैं, तो ये ड्राइंग रूम है जो हमने सेट कर लिया है। यहाँ पे हमने अपनी सारी चीज़ें भी लगवा ली, अपना झूमर भी। हेलो गाइस कर दो। तो ये नींद में हो रहे हैं। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे व्लॉग में। तो आज हमारे घर की होनी है शिफ्टिंग। ये आदमी सो के उठ नहीं रहे हैं, तो शिफ्टिंग होनी कब शुरू होगी बताएं आप। बेटू तू अलमारी में बंद रहे, अभी बाहर ना बहुत ज्यादा फैल रहा है नित्यो। चलो काई गर्ल खाली हो ले, तुझे बिल्कुल भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ओए मेरा बच्चा ना, गर्ल खाली हो ले बेटू। नित्यो का घर तो आइए। हाँ मेरा बेटा, नम 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 ता नम 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 ता। चंद्रू कहीं का नित्या बैठी हुई है मुआयने पे, ये कर रही है सबकी देखभाल, सारा काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। घर खाली हो गया है ऑलमोस्ट, दो तो जो छोटे हाथी होते हैं वो जा चुके हैं, एक और जाएगा। तो घर का हाल ये देखो, छोटी छोटी जा रहा है सब। कैसे लगे हुए सारे के सारे और हमारा घर खाली हो गया। एक चीज़, नित्या को पीना था दूध घर खाली होने के बाद, बैठ जाने के बाद। तो नित्या को हम दूध कहाँ पिला रहे हैं? नित्या कहाँ है? Here in अलमारी। नित्या इज इन अलमारी। अलमारी में डिटा दिया इसको, इसके लिए तो परफेक्ट बेड है ये। घर पूरा अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, एक मन में मलाल सा हो रहा है, पर कोई बात नहीं। देखो रसोई का हाल, बाथरूम का सामान बाल्टी में रख लीजिए। क्या कौन सी सारी गई? अरे सुबह काम कर रही हूँ मैं, सामान पैक हो गया है। ये भी अच्छा चादर में पैक कर दिया। जूता एक ही मिला, एक चला गया। एक गया? हाँ, एक में जाने। क्या हुआ? ये मग्गा टूटा हुआ होगा, ये रहने। बाकी जो अंदर था वो हो गया है पैकिंग, ये हमने खुद पैक किया है। ये सब खुद पैक किया, किसी मूवर्स एंड पैकर्स की जरूरत नहीं पड़ी है। कैसे एसी हटा के खुद ही जाली लगाने पड़ रहे, क्योंकि जिन्होंने रेंट पे लिया उन्हें तो हमें जाली लगा के देनी पड़ेगी। नित्यो इसको गंदा घुमाना है, मेरे को ऐसे करना है ऐसे। चंजू मम्मी बेटा सीधा बैठ जा, सीधा बैठ जा। मेहंदा, वही मेहंदी की लग रहा है, मेहंदी को सीधा कर दो। हंस क्यों नहीं रहा बेटे, अभी तो हंस रहा था तू, बोर हो गया इस एक्टिविटी से। अब बाहर देखो एक और टेम्पो हो गया, तीन विक्रम लगे। पूरा घर खाली हो चुका है। हे नित्यो, आर यू सैड बिटू? नो, डोंट नीड टू बी सैड, क्योंकि जो भी होता है किसी वजह से ही तो होते। चलो अभी हम दिखाते हैं कि हमारा घर कैसा लग रहा है। सी, पूरा घर हो गया है खाली, बस ये लास्ट बार का सामान जा रहा है थोड़ा बहुत। दिस हमारा मंदिर का आला हम नहीं लेके जा पा रहे, इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा दुख है, क्योंकि बहुत ही मन से बनवाया था, बहुत ही भाग दौड़ करके सारी चीज़ें कराई थी,
हम इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा उनका मंदिर है, वो भी अच्छा है काफ़ी। सोफाज भी गए, टीवी पैनल तो यहीं रहेगा, ये लाइट्स यहीं रहेंगी, सब कुछ यहीं रहेगा। नित्या, बस नित्या जाएगा हमारे साथ। घर खाली करना इज नॉट अ ईजी काइंड ऑफ थिंग नित्या, इट्स अ बिग डील। 3 दिन हो गए हम लोगों को लगे हुए पैकिंग करते हुए, 3 दिन से, लास्ट 3 दिन से हम लोग पैकिंग कर रहे हैं कपड़े, पिलों के अंदर का सारा सामान, और फाइनल डे तक पैकिंग हुई है क्योंकि जो मैंडेटरी चीज़ें होती हैं वो तो बाहर ही रखनी पड़ती है ना। तो भैया अगर मूवर्स एंड पैकर्स बुला लेते हैं नो ब्रोकर के थ्रू या और भी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, लोकल में भी रहते हैं तो वो लोग भी कर देते हैं, और जब हम खाली थे, मेरी छुट्टी ही थी, तो हम क्यों एक्स्ट्रा मनी खर्च करें। तो हमने कार्टन्स खरीद लिए थे, बबल रैप खरीद ली थी, टेप्स खरीद ली थी, और खुद ही सब कुछ रैप कर दिया। बस एसी अनस्टॉल करने आया था एक वो मैकेनिक, और बाकी जो लैम्प्स वगैरह लगे हुए थे हमारे सारे घर में झूमर सा था, वो सब इन्होंने खुद ही निकाल लिया। ही इज़ ऑल्सो अ मकैनिक। नहीं बिटू, पापा मकैनिक है गन्ने बच्चे के, खुद ही निकाल लेते हैं सब, एसी नहीं निकाल पाए, वो भाली होता है ना वो उठा नहीं पाते, इस वजह से नहीं निकाला, वरना एसी निकालना भी कोई टफ नहीं है। किसे क्या देख रहा है तू, हराम। पूरा घर हो गया खाली, सब चले गए हम दोनों को छोड़कर, नित्या और मुझको छोड़कर, इसके पापा भी चले गए। नहीं, वो जिन्होंने रेंट पे लिया है वो लोग आने वाले हैं चाबी लेने के लिए। घर खाली होगा कितना बड़ा लगता है ना। नित्या, मेरा बेटू देखो, ध्यान से देख लो इस घर को, इस गर्ल को ध्यान से देख ले। मम्मा पापा ने कितने प्यार से सजवाया था इसको, पता है कितनी मेहनत की थी, ये सब चूज किया था, ये टीवी पैनल ऐसे बनवाएंगे, वैसे बनवाएंगे, ऐसे कलर कराएंगे, ऐसे ऐसे लैंप लगवाएंगे, ये पत्थर चूज किया था, ये मंदिर चूज किया था, कलर चूज किए थे, सारे कलर चूज किए थे, ये वाला भी अच्छा लगा तेरे को। गन्ने बच्चे, गन्ने बच्चे अच्छी लग रही थी, झुंझ झुंझ कर रही थी तू मेरे बेटा। तो हम लोग नए घर में आ चुके हैं, ये है हमारा नया घर। तो अभी हो रही है अनपैकिंग सामान की, पहले पैक करो फिर अनपैक करो फिर लगाओ, ये तो बहुत ज़्यादा आफत हो गई। लेकिन हमारे पास अब ज़्यादा लोग हैं काम करने के लिए, एक नित्या भी है जो सारा इंस्पेक्शन कर रही है, जब सामान पैक हो रहा था तब भी इंस्पेक्शन कर रही थी, अब सामान लग रहा है तब भी वो निगरानी रख रही है कि सब अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं, या सब ठीक तरीके से हो रहा है। बेटू तुझे सब सही लग रहा है? तो ये है ड्राइंग रूम, यहाँ पे ये अनपैक हो रहा है इसका शीशा, ये लगेगा घोड़े वाला, ये है रसोई, रसोई में मोस्टली सामान तो लग चुका है, थोड़ा बहुत लगना बाकी है, ये कमरा, इसमें भी सामान अभी लगना बाकी है, भाई बहुत काम है। और ये है नित्या का कमरा। हेलो, यहाँ पे अभी बेड फिट होगा, अभी एसी फिट हो रहा है, अलमारियों में कुछ सामान अभी रखा नहीं गया है। पंखा क्यों बंद कर रहे हो? अब तो आप आ चुके हैं। ओए, ये नित्या को क्या उड़ा दिया? तो भाई साहब सुबह से लगे लगे पागलों की तरह, अब जा करके लगभग 9:30 बजे रात के अब जा करके मैं नहाया हूँ, और भाई साहब थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है, अदरवाइज मेरी इतनी परेशानी हो रही थी, बैक दुख गई, पैरों में दुखावट दर्द हो गया, आंखों लग रही इसके, और भाई साहब नित्या को मैं टाइम दे ही नहीं पाया। देखो ये लेटी मेरी बेटी, ओले माला, कितने माला, कितने माला, कौन है मेरी बेटी बोलने वाला, किसने मारा आपको, रोना क्यों, रोती क्यों बेटो,
हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग बड़ा मालूंगा तुम्हें। हमने सामान सेट कर लिया जितना हमसे आज हो पाया, और हमारी आज हालत ऐसी हो गई है जैसे, कोई एग्जांपल देना कैसी हो गई है जैसे, नहीं अच्छा नहीं लगा, जैसे बहुत ही मेहनत करके लौटा हुआ मजदूर। मैं दिखाती हूँ कि घर हमने कैसे सजाया। तो ये ड्राइंग रूम है जो हमने सेट कर लिया है, यहाँ पे हमने अपनी सारी चीज़ें भी लगवा ली, अपना झूमर भी, नित्या वाला फ्रेम भी लग गया है, रसोई भी सेट हो गई है, थोड़ी सी फैल रही है। इस कमरे में हम सारे सो रहे हैं क्योंकि एसी अभी यहीं पर लगा हुआ है, और जो नेक्स्ट हमारा कमरा आएगा उस कमरे में तो कोई झांक भी नहीं रहा है। इस कमरे में बेड है खाली और एसी भी लगा हुआ है, पर इसमें ना अभी एसी के ऊपर अगर आपको दिख रहा हो तो स्पेस खाली है, वहाँ पे गत्ता लगाना है, इस वजह से इस कमरे में कोई नहीं सो रहा है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि उसको कर पाए अभी। और ये वाला कमरा भी थोड़ा सा फैल रहा है, अभी भगवान जी को मैंने नहीं इसमें लगाया है, कल लगाऊंगी ना धोकर। तो बस यही है, दिस इज इट, हो गया। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, स्लीप वेल।